इश्यू का एग्जिट पोल। देश की पांच बड़ी ज्योतिषाचार्य आज बताएंगी किसकी बनेगी सरकार। ज्योतिषियों का एग्जिट पोल, मतगणना से पहले सबसे बड़ी भविष्यवाणी। क्या कहते हैं पीएम मोदी के सितारे? क्या कहती है राहुल और अखिलेश की किस्मत? कौन जीतेगा 2024 की बाजी? सितारों की चाल किसको दिलाएगी ताज? किसको सितारे दिलाएंगे राजयोग? हर सवाल का जवाब देंगी पांच ज्योतिषाचार्य। देखिए ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में ज्योतिषाचार्यों का एग्जिट पोल। राजनीति यानी कि एक ऐसी नीति बनाना जिसके जरिए आप किसी एक पद पर राज कर सके, लेकिन आज के दौर में सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में वो राजयोग होना भी जरूरी होता है। और वही राजयोग इस बार दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में, क्योंकि देश भर के अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, जानेंगे हम। हमारे साथ देश की पांच बड़ी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अन्य नेताओं के सितारों के बारे में भी जानेंगे कि इस बार के परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम उनके लिए कैसे रहेंगे। चलिए तो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं, हमारे साथ पांच ज्योतिषाचार्य इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। वाने आर्या जी हमारे साथ मौजूद है, वाने जी स्वागत है न्यूज 18 पर। मनीषा आहूजा जी आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। रूपा बुद्धिराजा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पारुल चौधरी जी भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। तो चर्चा हम करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा पूजा भाटिया जी से रहेगा। पूजा जी, पूरे देश के एग्जिट पोल जितनी भी एजेंसीज हैं सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको, आपका गणित क्या कहता है? जी देखिए, अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की यदि हम बात करें, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो बहुत ही स्ट्रांग बता रहे हैं। अगर मैं देखूं तो उनकी जो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक ही उनकी राशि भी है, और चंद्र मंगल योग जो लगन में बन रहा है बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहा है, और अभी करंट में मंगल की ही महादशा उनकी चल रही है, मंगल में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। और शनि की यदि मैं बात करूँ तो देखिए, शनि जो है मासिस का कारक होता है, सत्ता का भी कारक होता है, और उनके दशम भाव में शुक्र के साथ विराजमान है। और अगर मैं गुरु की बात करूँ तो चौथे भाव में गुरु का अपने आप में होना उन्हें मासिस में बहुत लोकप्रिय बना रहा है। तो डेफिनेटली उनके ग्रह नक्षत्र तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर मैं अभी करंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की भी बात करती हूँ तो ट्रांजिट में भी जो गुरु देव हैं वो चंद्रमा से गज केसरी योग बना रहे हैं, और साथ ही शनिदेव जो है चंद्र कुंडली से चौथे भाव में आ रहे हैं जो उनके दसवें भाव को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रह नक्षत्र तो बहुत पॉजिटिव है। एनडीए की लहर, मोदी लहर डेफिनेटली है ही, सिर्फ देश भर में ही नहीं दुनिया भर में मोदी मैजिक का डंका बज ही रहा है। और इस बार
यदि हम सीटों की भी बात करें तो बीजेपी अगर मैं बोलती हूँ तो 320 प्लस लेकर आ सकती है, और एनडीए की ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 350 से 380 की रेंज मुझे लगती है कि इनकी इतनी सीटें आएंगी ही आएंगी। मोदी मैजिक की आपने बात की, और अगला सवाल मेरा यही है वानिया जी से। वानिया जी, हमने देखा 2014 में मोदी मैजिक चला, बंपर जीत हुई, 2019 में वो मैजिक बरकरार रहा, क्या वजह है ऐसा, कौन सा योग है ऐसा पीएम मोदी की कुंडली में कि ये मैजिक इस बार भी बरकरार है और ये बढ़ता ही जा रहा है लोगों में? धन्यवाद चीनम जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो उनकी कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। अगर हम मूला अंक की बात करते हैं तो मोदी जी का जो मूला अंक है वो 8 है, जो उनका भाग्य अंक है वो 5 है, जो कुआं नंबर एक इंसान का लक फैक्टर होता है वो भी उनका 5 है। अगर मैं इस साल की बात करती हूँ तो ये शनि का साल है, शनि का नंबर है 8। 8 नंबर आपने पास्ट में भी अचीवमेंट्स देखी होंगी, मोदी जी की जितनी भी पास्ट अचीवमेंट्स हैं सबका नंबर 8 है, इवन इनफैक्ट उनकी स्ट्रीट का रोड भी जो है वो भी नंबर 8 है। अगर मैं उनके डेट और मंथ को ऐड करती हूँ वो भी कहीं ना कहीं 8 पर आते हैं। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो वो ईयर पर्सनल ईयर 7 पर आता है। तो आप देखिए कि 8 का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में है। अब मैं आती हूँ उनकी अंतरदशा और महादशा पर। उनकी महादशा इस टाइम मंगल की है, मंगल में शनि चल रहा है, तो यहाँ भी वंस अगेन शनि उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, और ये साल भी शनि का है, सैटर्न का साल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें 8 नंबर की सपोर्ट हमेशा से जो है वो मिलती आई है और आगे भी ये सपोर्ट जो है उनको मिलती रहेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक उनकी राशि है, बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में बन रहा है, स्वराशि का मंगल है, रूचक नामक पंच महापुरुष योग भी जो है ये बना रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें कि इनकी कुंडली में जो है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है मंगल का, उनकी मेहनत का, आपने पास्ट अचीवमेंट्स देखे, आज इंडिया जो है विश्व गुरु बन चुका है या बनने जा रहा है, आप फॉरेन में देखिए जो भी आप कितना हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो मोदी जी के विजन है, जो मिशन है, जो वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उठाइए, आप आईटी इंडस्ट्री उठाइए, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो हर जगह मोदी मैजिक जो है, अभी उन्होंने साधना भी की, तो ओवरऑल कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपने ग्रोथ नहीं देखी, जिसमें आपने प्रोग्रेस नहीं देखी, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी विजन है, जो वो मेहनत करते हैं? बस मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि उनको अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट ओवरऑल जो है उनका करियर ग्राफ जो है, ये विजन उन्होंने 2027 तक के लिए नहीं जबकि आने वाले 20 साल के लिए दिया था, 47 तक दिया है, खाली ये वो जो अभी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 2028 तक के लिए नहीं है, तो उनकी जो बहुत विजन बहुत दूर की है, मासेस को लेकर चलना, तो इस तरह से वो काफी ज्यादा लाइफ में आगे जाए। ठीक है वानिया जी, अब अगला सवाल मेरा रखेगा मनीषा आहूजा जी से। मनीषा जी, जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह भी हो जो आपके विरोधियों के साथ लड़े, एक तो होता है राजयोग, लेकिन पीएम मोदी की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि विरोधियों में भी कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं नजर आता, कोई मुकाबले में नजर नहीं आता? देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल है, बात सिर्फ ये नहीं है, इन इस मंगल यानी कि लग्नेश की युति जो है वो नवमेश चंद्रमा के साथ है, ये एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को जन्म देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कर्मारूढ़ है, जो कर्म करने से रुकेगा नहीं। और कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि पंचमेश बृहस्पति का और नवमेश चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में आना, ऐसे व्यक्ति से जितने भी उनके विरोधी हैं या जो भी वो प्रतिस्पर्धा करेंगे उसमें जीत उनकी होगी। अब अगर आप आजकल देखें जब ये रिजल्ट्स आने वाले हैं तो मंगल का गोचर अभी ही मेष राशि में हुआ है जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठा भाव है, अब प्रतिद्वंदी तो यहाँ बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गोचर में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह इस समय दशम से दशम यानी कि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो जीत तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है पीएम मोदी की, ये आप जान लीजिए। चलिए अब राहुल गांधी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि विरोधियों की बात हुई तो अब ऐसे में राहुल गांधी से बड़ा विरोधी कौन है? राहुल गांधी की अगर हम बात करें, रूपा जी से अगला प्रश्न मेरा रखेगा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो पाए हैं? उनके लिए क्या कहता है आपका गणित,
क्या कहता है ज्योतिषाचार्य का एग्जिट पोल? जी, राहुल गांधी की बात करें तो देखिए, जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नेट पर अवेलेबल होती है, मेरे पास मिथुन लगन की कुंडली है जो कि ये बताती है ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और सूर्य और मंगल इनके लगन में है, कहीं ना कहीं राजनीति विरासत में इनको मिली है, परंतु ये अपनी राजनीति को संभाल नहीं पाए, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए, अपनी विरासत को क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि इनको वाणी दोष, बुध 12 में होकर इनको वाणी दोष लगता है, कहीं ना कहीं हंसी के पात्र भी ये बने हैं। कहा जाता है और कहे, अगर मैं कुंडली देखूं तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये अपनी उस चीज़ को, अपनी प्रखरता को निखार नहीं पाएंगे, उस निर्णय कुछ ऐसे नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय जो इनके राजनीतिक स्तर पर इनको कुछ ऊंचाइयां दिला पाएं। लेकिन अगर मैं 2024 अभी इनके चुनावों की बात करूं, जो इनका मुझे गणना दिखाई देती है, तो निश्चित ही ये अपने आप को उभारने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज को निखारने का काम करेंगे, कुछ सीटें इनको मिलती हुई मुझे दिखाई देती हैं। और अब 2024 से, अप्रैल के बाद से, कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक करियर में भी आप इनकी थोड़ी सी सक्रियता देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे इनके भाषण या कुछ ऐसे इनके वाद विवाद देखेंगे जो कि जनता भी देखकर ये आश्चर्यजनक होगी कि इन्होंने, इनकी तरफ से ये चीज़ें आई हैं, कुछ मुद्दे आप कह लीजिए। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मैं अगर देखूँ तो राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का योग मैं नहीं देख पाती हूँ। इनके कुछ इनके कारण जो कुंडली में बताते हैं वो यही बताते हैं, ये सहयोगी जरूर रहेंगे कांग्रेस के, ये कहीं ना कहीं सहयोगी तरीके से काम करते रहेंगे, परंतु इनकी कुंडली में कुछ विशेष कर और प्रबल योग राजनीति से संबंधित मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है रूपा जी, अब अगला सवाल मेरा है। और इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा कहीं ना कहीं इनका नीच राशि में, जो कि इनके प्रक्रम को, जो इनकी जिसे कहते हैं ना प्रक्रम, और इनके भाग्य को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे तक नहीं जाते हुए मुझे नजर आते। बिल्कुल, तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी मोड़ लेते हैं अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है। अब बात करूंगी मैं अमित शाह की, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि जब आपका बुध स्ट्रांग होता है तो वाणी आपकी बहुत मजबूत होती है, और बुध मजबूत होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव आपके वक्तव्य पर पड़ता है, जिस तरह से आप बोलते हैं, आपकी बोलने की शैली है। अगला सवाल मेरा पालू चौधरी जी आपसे है। अमित शाह की अगर हम बात करें, वोकल काफी स्ट्रांग है उनका, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन इस बार क्या कहते हैं उनके सितारे, उनके बारे में भी जरा भविष्यवाणी कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल भी किया है, और सपोर्टिव मैं बोलूं, सेकंड अगर हम मोदी के बाद कोई फेस देखते हैं तो वो अमित शाह का ही देखते हैं। जैसे कन्या लगन की उनकी कुंडली है अमित शाह जी की, छठे भाव में उनके स्टैंप पे शनि चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, उनकी जितनी भी तारीफ करो अभी तो कम मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल आगे डंके की चोट पे सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो थोड़े से इनको आगे देखने पड़ेंगे, आज से अभी से जो इनका मंगल चेंज हुआ, जो कल स्वयं राशि में गया है, तो वो इनके लिए बहुत ही आगे लेके इनको जाने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा रहने वाले हैं, अच्छा समय इनका रहने वाला है 45 दिन का, और जिनके कार्यकाल, जो भी शपथ ले लेगी बीजेपी उसके बाद से जो इनका कार्यकाल है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। अमित शाह जो हमेशा से मशहूर रहे हैं अपने कार्यों को लेके और अपने भाषणबाजियों को लेके, जो एकदम से ये बोल देते हैं, और अनप्रडिक्टेबल सी इनकी भी सिचुएशन है। मैं बोलूँगी मोदी जी का और अमित शाह जी का ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर सा इनका करेक्टर ट्रेट्स आते हैं, जब दोनों जो काम करते हैं एकदम से अचानक से करते हैं, दोनों का जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से आगे जाके लंबे समय तक इन दोनों का कार्यकाल चलेगा और इन दोनों की एसोसिएशन चलेगी, अलायंस। अगर मैं बोलूँगी अगर मोदी के बाद कोई फेस आएगा तो अमित शाह का ज़रूर आ सकता है, तो इनकी कार्यकाल की नीति बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और देखिए बहुत ही सीधा सीधा साफ सा अभी तो दिख रहा है, बीजेपी ने जीतना है, NDA ने जीतना ही है, तो इनका बहुत ही बढ़िया आगे चलने वाला है कार्यकाल। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा भाटिया जी से अब अगला सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। संत हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और तरह तरह से जो है हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने, चाहे कानून व्यवस्था को सुधारने की बात हो उस पर भी काम किया और भी कई विकास के कार्य किए, लेकिन इस बीच सवाल मेरा ये कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, क्या कहते हैं सीएम योगी के सितारे?
के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है इनकी, और जिस तरह से इनके ग्रह नक्षत्र है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। सिंह लगन की इनकी पत्री है, 5 जून 1972 सुबह 10:54 उत्तराखंड की इनकी पत्री बनी है, सिंह लगन की पत्री। और इनकी जो राशि है इनकी कुंभ राशि। तो इस तरह से अगर मैं देख रही हूँ कि लग्नेश का दशम भाव में आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, और साथ में अगर हम देख रहे हैं बुध और शनि का भी दशम भाव में आना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनका एसोसिएशन बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह दशा दिखाती है कि इनको तो मतलब सत्ता में काबिज रहना ही रहना है। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश में बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जैसे शनि जिस तरह से दशम भाव में है ना, तो इनके लिए सत्ता और साधना दोनों के ही मार्ग बहुत ही स्ट्रांग दिखते हैं। और जिस तरह से इनकी हिस्ट्री भी रही है, ये जिस तरह से 21 वर्ष की आयु में गोरखनाथ मठ के साथ एसोसिएट हो गए थे, अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली इतनी ज़बरदस्त है कि सत्ता इनके पीछे आती है, ये सत्ता के पीछे नहीं जाते हैं, तो इतनी स्ट्रांग कुंडली है। और अगर अभी की मैं इनकी करंट प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं तो इनकी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है। अब दशमेश होके शुक्र लाभ भाव में मंगल के साथ बैठा है भाग्य स्थान के स्वामी के साथ, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जो जीत है वो तो निश्चित है, बहुत अच्छी सीटों से ये मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देश की तमाम एजेंसियां बता रही हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी की, और अब बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि पार्टी की भी कुंडली होती है, पार्टी के भी सितारे होते हैं जिनके दम पर वो परफॉर्म करती है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अब सत्ता से बाहर है, एक बार फिर उसके लिए निराशा वाली ही खबर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के सितारे क्या कहते हैं? जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए मीन लगन की कुंडली इनकी बनती है और राहु केंद्र में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये कुंडली अपने आप में जिसे कहा जाता है ना विरोधियों के लिए भारी नहीं रहेगी, इस पर विरोधी भारी रहेंगे। और कुछ अच्छा कर पाने के लिए देखिए साथ में आपके प्रधान अगर जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी कुंडली अगर स्ट्रांग हो, जैसे कि हम मोदी जी की भी बात करते हैं उनकी कुंडली स्ट्रांग है बीजेपी के साथ, इनकी अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी इनकी कुंडली अगर स्ट्रांग हो कांग्रेस के साथ तो भी चीज़ें मिलती हैं। पर कुंडली जो कांग्रेस की कह रही है वो बहुत स्ट्रांग नहीं कह रही, कहीं ना कहीं इनकी जो दशाएं और इनकी जो नक्षत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो अच्छा कर पाएंगे 2024 में, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर इनका नेतृत्व कोई स्ट्रांग पार्टी का बंदा करे, कोई ऐसा नेता करे जो कि जिसे कहा जाता है जिनके ग्रह स्ट्रांग हो, पार्टी के ग्रह इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद पार्टी को थोड़ा सा आगे निखार कर सामने लेकर आ सके। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की हमने बात कर ली, और अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और पांचों सीटों को लेकर एग्जिट पोल कहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के ही खाते में जाएगी और क्लीन स्वीप उत्तराखंड में बीजेपी करेगी। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो उनके सितारे क्या कहते हैं, उनके लिए क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगी पारुल जी, जानते हैं। जी, पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरगढ़ में हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इनके ग्रह बनते हैं, इनका जो लगन है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इनका देवरी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं इनका ग्राफ काफ़ी ऊपर ही गए और आगे भी जाके मुझे दिख रहा है, भाजपा के साथ बहुत ही अच्छा इनकी नीति रहने वाली है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे और आगे ही जाते हुए दिख रहे, इनका ग्राफ अभी करियर का फिर दोबारा से चढ़ेगा, उतार तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, आने वाले समय में इनका अच्छा ही समय दिखेगा। अभी जो इनका मंगल और शनि और शुक्र का जो योग साफ दिखाई दे रहा है वो वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी और अच्छे गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है, मीन्स जो इनका चंद्रमा है ना वो इतना स्ट्रांग है कि इस टाइम पे ये जनता के बीच में अपने दिल में जगह बना पाएंगे उनके दिल में, और जो ये बात बोलेंगे इम्पैक्टफुल रहने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते फिर रहे हैं ये लोगों के दिलों में, राज भी करेंगे, और पीछे जो इनके कुछ भाषणबाजियाँ हुई हैं इतनी अच्छी ये चीज़ें नहीं बना पाए, लेकिन अभी आगे जाके आप देखेंगे ये 2 जून के बाद से जो इनका मंगल जो चेंज हुआ है, जो इनका शुक्र साथ में बैठा है बहुत ही बढ़िया इनको जीत भी देता हुआ दिख रहा है, और आगे जाके इनका करियर ग्राफ ऊपर जाएगा, जो इनका सिंह चल रहा है वो धीमी ही गति में चल रहा है, लेकिन जब ये शपथ ग्रहण हो जाएगी बीजेपी की उसके बाद आप देखिएगा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, और आगे इनका भी करियर मुझे दिख रहा है पॉलिटिकल करियर
ऊपर जाने वाला है, तो बहुत ही खुशखबरी आने वाली है उत्तराखंड के लिए भी कि उनका जो साथी है वो फिर से ऊपर आएंगे और इनके जितने भी वादे करे हैं मुझे लग रहा है इस बार कर्मों पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, तो इस बार कर्म भी करते हुए नजर आएंगे, तो काफ़ी अच्छा इनका आगे ग्राफ रहने वाला है और अच्छा रहेगा इनका सपोर्ट बीजेपी की सत्ता के साथ। बिल्कुल, और इनका जो विनम्र नरेंद्र मोदी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। यहाँ मोदी को उनके राजनीतिक गुरु लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब का मार्गदर्शन मिला। प्रखर तर्क शक्ति, तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता और सम्यक सांगठनिक कौशल के धनी नरेंद्र आरएसएस में गहरी पैठ बनाते चले गए। आरएसएस का राजनीतिक संगठन बनने पर 1985 में नरेंद्र भाजपा में शामिल हो गए। अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव में पहली जीत में नरेंद्र मोदी का अहम योगदान माना गया। कम ही लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की जिस रथ यात्रा ने भारत में हिंदू पुनर्जागरण की आधारशिला रखी उसके संयोजक सूत्रधार नरेंद्र मोदी ही थे। नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के संचालक थे। स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी ने तब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांव की खाक छान डाली और 55 लाख से ज्यादा लोगों को राम के काज से जोड़ने का बीड़ा उठाया। ये रथ यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर उनको मिली पहली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी थी। 1988 में वो गुजरात भाजपा इकाई में संगठन सचिव चुने गए, लेकिन साल 1991 में मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा के सफल संयोजन से मोदी का कद और बढ़ गया। बीजेपी की 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के पीछे मोदी की चुनावी रणनीति की अहम भूमिका रही, जिसके बाद उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी केशुभाई को नाराज कर अनुभवहीन मोदी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते हुए अटल और आडवाणी को बता दिया कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाए या अलग ही रखा जाए। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी, केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया।